अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो कतर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ रही है। तो कतर के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों जो है आज के दिन उन्होंने सिटी स्केप नाम का दोस्तों एक वहां पे एग्जीबिशन रखा जाता है जो कि दोस्तों इस बार भी रखा गया और इसी दौरान वहां पे कतर के जो प्राइम मिनिस्टर वहां पे विजिट किए और अलग अलग डिजाइनों को देखा गया। दोस्तों ये सिटी स्केप जो एग्जीबिशन होता है वहां पे अलग अलग बिल्डिंगों का वैसे दोस्तों फ्यूचर में जो चीज बनने वाला है उसके डिजाइन को वहां पे रखा जाता है, तो इसी को देखने के लिए कतर के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, जैसा कि दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों वाली बहुत ही बड़ी खबर और आपके लिए काफी अच्छी खबर है, आपको 60,000 कतरी रियाल जीतने का आपके पास मौका है। तो खबर दोस्तों क्या है मैं पूरी आपको बता देता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 स्टार्ट होने वाला है, तो फीफा वर्ल्ड कप को लेकर दोस्तों डेकोरेटिंग का काम यानी दोस्तों जो डेकोरेट किया जाएगा अलग अलग जगहों पे कहीं पे भी डेकोरेटिंग का जाम जिसको यदि आता है, चाहे वो स्कूली बच्चे हो, यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, सिटीजन हो, रेसिडेंस हो, या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो, या फिर स्कूली बच्चे हो, या फिर जो भी हो, आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और यदि आप जीतते हो तो आपको 60,000 कतरी रियाल तक का आपको दोस्तों प्राइज जो है वो मिल सकता है। आपको अप्लाई करने के लिए दोस्तों एक वेबसाइट में आपको गूगल पे सर्च करना होगा जिन्ना जेड डबल ई फिर से दोस्तों ई यानी ट्रिपल ई एन एच, इस वेबसाइट को आपको गूगल पे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको जो भी प्रोसेस होगा वो आपको करना पड़ेगा। तो जो भी लोग इसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जाके पार्टिसिपेट दोस्तों कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों आप लोगों के पास है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आ रही यानी एमओसीआई की तरफ से आ रही है। तो एमओसीआई की तरफ से दोस्तों अबू नखला दोस्तों एरिया जो है वहां पे लगभग 44 वर्करों को वहां पे अरेस्ट किया गया है, लगभग 8 वायलेशन वहां पे पाया गया। तो दोस्तों 44 वर्करों को वहां पे गिरफ्तार इसलिए किया गया है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से दोस्तों वहां पे इंस्पेक्शन किया गया था, जिनमें से बहुत सारे दुकानों पे आउटलेट्स पे वहां पे एक्सपायर चीजों को बेचा जा रहा था या फिर दोस्तों किसी तरह का वायलेशन होगा जिसके वजह से वहां पे 44 वर्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो तलाबाद से आ रही। तो साथियों, यदि आप तलाबाद के बारे में यदि आप जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि तलाबाद दोस्तों लगभग 1 से 2 दिन पहले वो ट्रायल कर रहा था कि आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में दोस्तों हो सकता है आप लोगों को ड्रोन के जरिए आप लोगों की होम डिलीवरी की जाएगी तलाबाद कंपनी के द्वारा। तो वीडियो के सामने दोस्तों फोटो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये सिर्फ दोस्तों ट्रायल अभी किया जा रहा था यानी किसी को भेजा नहीं जा रहा था कि यदि फ्यूचर में ऐसा होता है तो दोस्तों ऐसा किया जा सकता है। तो यानी दोस्तों आने वाले टाइम पे आपको कोई शख्स आपको कोई चीज को पहुंचाने नहीं आएगा, डायरेक्ट ड्रोन के जरिए आपके घर के पास दोस्तों आएगा। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा हाई होती जा रही है, इसी को लेकर दोस्तों ये तलाबाद की तरफ से किया जा रहा है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही वो बहुत ही बढ़िया खबर, बहुत ही बड़ी अपडेट दोस्तों एयर अरेबिया की तरफ से आ रही है। तो एयर अरेबिया की तरफ से दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है कि 14 शटल फ्लाइट डेली उड़ान भरेगा शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और ये दोस्तों फ्लाइट जो लैंड करेगी दोहा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फीफा वर्ल्ड कप के दौरान 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक। तो दोस्तों ये एयर अरेबिया की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो जो लोग भी शारजा से दोहा जाएंगे तो उसके लिए दोस्तों ये इंतजाम किया जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो साथियों कतर के आमिर शेख तमीम दमल थानी सरफ की तरफ से आ रही है। उनके तरफ से दोस्तों आज के दिन कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो होता है दोस्तों उनके द्वारा आज के दिन अटेंड किया गया। तो जैसा कि दोस्तों अब वीडियो में आप देख सकते हो कतर के वहां पे आमिर भी है और वहां पे इन्होंने वहां पे अटेंड भी किया। एक खबर दोस्तों और मैं बताता हूं साथियों कि वहां पे मौसम को लेकर कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यह बताया गया है कि मौसम में थोड़ी तब्दीलियां होगी यानी गर्मी काफी ज्यादा अभी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन में दोस्तों मैं आपको ये न्यूज को भी दिखा दे रहा हूं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।